Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ये कहानी है उन हुनरमंद लोगों की जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पे शोहरत पाई, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान की सरपरस्ती चुनी। इनमें से नाम आता है मुमताज शांति का। ये कैसे जान गई आप? ये गजरा कौन लाया? ओ, ये गजरा, ये गजरा दरअसल आपके पिताजी आपको देने के लिए लाए। तो पिताजी यहाँ आए थे जी? आप पिताजी के साथ आए थे ना? जी हाँ जी हाँ, आपके पिताजी मुझे यहाँ ले आए थे। जो कि एक बहुत बड़ी हीरोइन थी भारतीय सिनेमा की। बॉम्बे टॉकीज नाम का एक बड़ा जबरदस्त स्टूडियो था जिनकी फिल्मों में ये अशोक कुमार की हीरोइन बनकर नजर आई थी। फिल्म किस्मत को कौन भूल सकता है, उससे पहले बसंत की मकबूलियत भी लोगों के जहन में ताजा रही। लेकिन ये दरअसल लाहौर से मुंबई आई थी, उस जमाने में बम्बई कहा जाता था। मुंबई आने के बाद इन्होंने मकबूलियत तो हासिल की, पर जब भारत का विभाजन हुआ तब इन्होंने अपने पति वली साहेब वली के साथ मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान की धरती पर ही जाकर ये अपना हुनर दिखाएंगी। लेकिन इन्होंने सदा सदा के लिए हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ दिया। इसी में नाम आता है गुलाम हैदर का। जी हाँ, जिन्हें हम मास्टर गुलाम हैदर के नाम से जानते हैं, यह वही मास्टर गुलाम हैदर हैं जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ की खूबी को पहचाना था। जब लता बाई की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था तब मास्टर गुलाम हैदर ने कहा था कि एक दिन तुम इन सबको गलत साबित करोगी, तुम ऐसी सिंगर बनोगी जिसका कोई सानी ना होगा। मास्टर गुलाम हैदर एक बड़े जबरदस्त संगीतकार थे जो पंजाबी संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मिला जुला कर बड़ा अच्छा संगीत पैदा किया करते थे। इनकी फिल्में रहीं गुल बकालवी, यमला जट, खजांची, हुमायूं, मजबूर, शहीद वगैरह वगैरह। सन 1935 में दरअसल इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो मास्टर गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की सरपरस्ती चुनी। इसी पेरिस में और भी नाम हैं जिनके बारे में जिक्र होगा आने वाले सेगमेंट्स में, सिर्फ और सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर।